हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में और हाजिर है आपका भाई एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं ओनली डीपी टेक चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपना फेसबुक अकाउंट पे ब्लू टिक कैसे लें। जैसे आप लोग दोस्तों देखते होंगे इंस्टाग्राम पे सबका ब्लू टिक वहाँ पे लगा रहता है, तो दोस्तों सेम वैसे ही आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अपना फेसबुक अकाउंट को वेरीफाई कैसे करें, यानी कि ब्लू टिक कैसे लेंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है, वीडियो थोड़ा भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही नॉलेजबल वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। तो दोस्तों, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को वेरीफाई कैसे करते हैं, यानी कि ब्लू टिक कैसे लेते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से जा करके भी देख सकते हैं, और आपको आई बटन पर भी लिंक आता होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसा प्रोसेस होता है फेसबुक पे जो आपको वहाँ पे अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, यानी आपको ब्लू टिक मिल जाएगा। आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि वहाँ पे फॉर्म कैसे फिल करना है, आपको अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों चलिए करते हैं आज के इस वीडियो को शुरू। चलिए आपको लेकर के चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर, वहीं पर चल के आपको दिखाता हूँ कि फॉर्म ये कैसे अप्लाई करना है फेसबुक पर ब्लू टिक लेने के लिए। आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सारा कुछ मैं आपको लेकर के चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे, वहीं से चल के आपको दिखाता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों तो मैं आ गया हूँ मोबाइल स्क्रीन पे। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले अपना फेसबुक ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं अपना फेसबुक ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, आपको अपना प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है, जो आपको थ्री लाइन दिख रहा है यहाँ पे, उस पर क्लिक कर लेंगे और थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। और यहाँ से आपको करना क्या है दोस्तों, आपको हेल्प एंड सपोर्ट का एक यहाँ पे आइकन देखने को मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है इस पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ पर हेल्प सेंटर पर क्लिक कर लेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक सर्च का यहाँ पे एक आइकन देखने को मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सर्च कर देना है। भी खाली आप लिखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत सारा आ जाएगा, वेरीफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा आ गया है, वेरीफाई अकाउंट विथ ब्लू बैज, तो आपको दोस्तों इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ से दोस्तों फर्स्ट पे आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं रिक्वेस्ट ए वेरीफाई बैज ऑन फेसबुक, तो आपको क्या करना है इस पर क्लिक कर लेना है। और यहां से आप सारा कुछ पढ़ सकते हैं और वेरीफाई योर प्रोफाइल और पेज, यहां से आप लोग दोस्तों देख सकते हैं। उसके नीचे आपको दिया गया है फिल इन दिस फॉर्म, तो आपको क्या करना है फॉर्म को फिल करने के लिए आपको उस पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूं। और दोस्तों जब आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा फॉर्म खुल के ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से प्रोफाइल अपना ब्लू टिक लगाना चाहते हैं, प्रोफाइल अपना वेरीफाई करना चाहते हैं, या पेज आप यहाँ लिए। मैं फ़िलहाल प्रोफाइल अपना वेरीफाई करना चाहता हूँ, तो मैं प्रोफाइल पे क्लिक कर लिया हूँ। और यहाँ से दोस्तों आप डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ से ले सकते हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ये डाल सकते हैं, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट डाल सकते हैं, नहीं तो नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड आप ये ले सकते हैं, इसमें आपका हो गया पैन कार्ड, आधार कार्ड जो है आपके पास, वो यहाँ से आप एड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके चूज फाइल्स पे क्लिक करके अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड का इमेज एक ले लीजिएगा। तो चलिए मैं ले लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने एक इमेज ले लिया है आधार कार्ड का, तो आप ऐसे एक इमेज अपना गैलरी से ले लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए उस पर क्लिक कर लेना है। आप न्यूज़ मीडिया, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स आप यहां से डाल सकते हैं, म्यूजिक, फैशन, एंटरटेनमेंट, डिजिटल क्रिएटर, ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर। तो चलिए दोस्तों मैं ये ले लेता हूं, डिजिटल क्रिएटर, ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर, आपको जो है दोस्तों वो अपना कैटेगरी यहां से ले लीजिएगा। तो चलिए मैं ले लेता हूं ये। इसके बाद यहां से आप अपना कंट्री डाल दीजिएगा दोस्तों, इंडिया से है तो इंडिया डाल दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप ये सब छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ से दोस्तों आपको लिंक दिया गया है, तो आप अपना YouTube का लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं, Instagram का लिंक डाल सकते हैं। तो चलिए मैं Instagram का लिंक कॉपी किया हूँ, तो मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा।
दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं अपना इंस्टाग्राम का यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दिया हूँ। तो दोस्तों ऐसे आप भी अपना इंस्टाग्राम का लिंक, यूट्यूब का लिंक, जहाँ जहाँ का लिंक आप यहाँ पे डालना चाहते हैं दोस्तों यहाँ से आप डाल सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, आपको सेंड वाला आइकन आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, तो आपको वहाँ पर क्लिक कर लेना है सेंड पे। तो दोस्तों सेंड करने के बाद इसके बाद क्या करना है, आपको 30 दिन तक वेट करना है। 30 दिन में आपका फेसबुक की तरफ से रिप्लाई आ जाएगा कि आपका अकाउंट वेरीफाई होने वाला है कि नहीं होने वाला है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो देख करके आपको पता चल गया होगा कि फेसबुक पे अपना ब्लू टिक कैसे लेते हैं, कैसे फॉर्म अप्लाई करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और साथ में चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो जब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद।